काम नहीं करना। काम भी तो नहीं भाई साहब, चौक नहीं है सर। चौक तो दराज में नहीं सर, एक कहीं दराज में अंदर इसके उनकी हो गई यार भाई, हो गई नहीं टाइम नहीं मिला था आज, फिर एक बार वो कर तुमने करा क्वेश्चन वो कल का, एक तो हुआ नहीं और एक कराने एक टाइम नहीं मिला तुमने पूरा करा है ना। चलो भी देखेंगे पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लिया थोड़ा सा आगे है इधर लूटेंगे तो कर लेंगे किसे तैयार से रखी है आज या तो हो यार नहीं बैठेंगे देखेंगे मेरा टाइम पहले थोड़ा कुछ चीज़ आगे बता देते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ना, देखने में खूबसूरत सा लग रहा है। किताब में तो हो, बुक में देखा हुआ है। देखो भाई कॉस ए कॉस 50 प्लस ए कॉस 60 माइनस ए इक्वल टू, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सीधे एग्जाम के लिए याद करना है इसको। वैसे तो ये सोल्व हो जाते हैं, प्रूफ भी हो जाते हैं अगर तुम करना चाहोगे। 1/2 कॉस 4 कॉस 3 है, इस तरह है ना, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड करें, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, फिर अंदर मल्टीप्लाई 2 कॉस ए कॉस बी, तो सीधा डायरेक्ट क्या है 1/4 कॉस 3 ए। आई बात में कौन ले बोलते हैं यार, इसमें ये क्या है साइन ए साइन 50 प्लस ए साइन 60 माइनस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3 ए। साइन ए साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3 ए। टेन अल्फा टेन 60 प्लस अल्फा टेन 60 माइनस अल्फा इक्वल टू टेन 3 अल्फा। याद कर लिया भाई, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखो याद करने का आगे हुआ, याद तो हो गया हुआ। देखो साइन ए कोस ए कोस बी कोस यानी 60 प्लस ए 60 माइनस ए एल ई टी जैसा साइन का ऐसे ही है 1/4 दोनों में ना, कोस वाले में कोस साइन वाले में साइन 3 आएंगे, याद हो गया, रटने वाली बात तो नहीं है। इसका क्या है, इसको किसको रिलेट करेंगे, इसमें सिर्फ 1/4 नहीं आना। और भाई साहब वो क्यों नहीं आया, देखो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे साइन ए कोस ए क्या देगा टेन अल्फा, ये भी टेन 1/4 से साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा टेन अल्फा हो गए होंगे सारे फॉर्मूले, आप ये जो है ये सारे फॉर्मूले याद हो गए। अब आगे क्या है, देखो कल मैंने जो है तो इसको कभी तो इतने एडवांस चलते हैं। देव है, देव आए हैं, देव है तुम्हारे कोई। एक क्या है देखो, कल मैंने बताया था ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्या फॉर्मूला था आपके याद है, एक फॉर्मूला थीटा इक्वल टू बोलो देख की बता देते यार, सोच रहे थे -1 की पावर n अल्फा, ये तो था अगर साइन, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अगर क्या वैल्यू हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो जैसे ये तो साइन थीटा साइन अल्फा आपके स्क्वायर बढ़ा दिया आज मैंने सीरीज में, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा।
ठीक सर टूट है क्या जी रूट कहाँ कहाँ ये स्क्वायर है तो बिल्कुल सही कहा यूँ आ जाएगा लेकिन यूँ लिख लेंगे ठीक है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा थीटा की वैल्यू क्या होगी ये दोनों में इसमें भी वही होती है इसमें भी वही होती है और इसमें भी यही आ गया और एन बिलोंग्स टू जेड है दोनों में लिख लेना ये अलग नहीं है भाई कभी इसको अलग करो मैंने कल ही बताया था ना तुम्हें एक चीज मैंने कहा ये ऐसे कर लो जैसे देखो भाई आ गया आपको कोई दिक्कत एक जो है ये कितना अच्छा पूछना सवाल है तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई बाई टू ठीक देन फाइंड tan गामा then find tan गामा ये सवाल था ये आया हुआ था IIT 2001 का जब पेपर था तो लिखा था बहुत साफ था ठीक है भाई सवाल में तो कोई दिक्कत होगी यहाँ तो मेरा सवाल है भाई दो एंगल है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई बाई टू देन फाइंड tan गामा कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ अगर करती है किस तरह शुरू करा जाओ कहीं कुछ थोड़ा होता ये हाँ हाँ बोलो हाँ और आप क्या कह रहे हाँ ठीक है कुछ तो सुनने आना है देखो क्या करता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू है ये तो दिक्कत तो नहीं है जी गिवन है बता दें नहीं सुने हुए अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बीटा कर लूँ दिक्कत तो नहीं भाई दोनों तरफ का टेन ले लूँ दोनों तरफ का क्या ले लूँ तो क्या आ गया टेन अल्फा इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस बीटा ये इकट्ठा है भाई अलग अलग थोड़ी आ जाएगा जाते पापा दिन दाद मीन कहाँ बैठी जाएगी मीन तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट बी बैठे बताया यहाँ सुनवा आ जाएगा कोट बी का क्या नीचे लिखूंगा वन अपॉन टेन भी लिख लूँ तो क्या रहेगा टेन अल्फा बराबर वन अपॉन टेन बीटा इन दोनों क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो क्या रहेगा टेन अल्फा मल्टीप्लाई टेन बीटा इक्वल टू वन टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल टू वन यहाँ तक की कोई नई बात तो नहीं बताई मैंने जो तुमने टेन था पढ़ा होगा वहीं तक के चल रहा कोई नया फॉर्मूला कुछ तो नहीं है कि भाई आगे यहाँ तक की बात इतना तो कर ही लोगे अब मुझे निकालनी है टेन गामा की वैल्यू क्या की निकालनी है गामा की वाली खुद गलत बता रहा हूँ बी प्लस गामा इक्वल टू अल्फा है यार नहीं तो बता रहा कि सवाल ही कुछ गलत बता रहा मुझे खुद ही कोई दिक्कत नहीं सवाल तो आएगा इसमें लिखा हुआ है नहीं तो बी प्लस गामा इक्वल टू अल्फा था भाई है नहीं थोड़ा हो ही नहीं पाने मेरा क्या हो गया तो अब देखो ये तो सिनेमा आ गया बात तो कोई समझ में नहीं आएगा बात गलत ज़्यादा बड़ा तो नहीं तो बड़ा ठेर करा मैंने सवाल तो कुछ चेंज हो जाएगा कोई तो गामा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा ये तो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है ये
तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बाई टू। दिक्कत क्यों नहीं आ सकती, दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने टेन, तो क्या आ गया टेन गामा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा। तो टेन गामा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। दिक्कत तो नहीं आई, क्रॉस मैंने करो इसकी, ये क्या आ गई थर्ड इक्वेशन आ गई, मान लिया थर्ड थी थर्ड वैल्यू थी है। अब क्या करता हूँ मैं इसमें से, ये बोल लो बोलते रहो। हाँ हाँ देखो बिल्कुल सही कहा ना, आगे सवाल इनको क्या लिखो, टेन अल्फा टेन बीटा की शाबाद क्या लिख दी थी, मत मुझे पता नहीं था, इन्होंने बताया ठीक है। तो टेन गामा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, ये टेन गामा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस वन आई थी। तो ये क्या आ गया यहाँ से, टेन गामा इज इक्वल टू वन अपॉन टू टेन अल्फा माइनस के टेन। अब पाई बाई टू बाई टू दिक्कत कर देगा ये मुश्किल था, आसान आसान था, बस थोड़ा सा लॉजिक था, कॉन्सेप्ट था है, आसान था ना, ऐसे ही सवाल है, बिल्कुल यही सवाल था बिल्कुल कई बार आ जाए। अगर आप सवाल को सर्च करेंगे देखेंगे लिखा होगा कि आगे आई टी कोई सवाल नहीं है। एक और आई टी का सुनूं बिल्कुल डाटा जो आई टी का हो, ये सारे तो बहुत मुश्किल हो जाऊँ, हर साल है मैं 200 सवाल पहले आई टी कब से बनी हुई है। हाँ हाँ कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है ना, क्या सवाल होता है ना, क्या है कॉन्सेप्ट है, सवाल तो कुछ भी आ जाएगा कि इस तरह होना है, कॉन्सेप्ट ही तो है बच्चे, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट यही तो होता है। अब जी वो है कि दो गुना चार कितना आठ है, दो पंजे दस, दो पंजे तो बताए था जी, मतलब इस तरह के सवाल आते हैं, मतलब किधर एग्जाम्पल ही है। देखो एक क्या आता है, देखो अब तक तुमने क्या देखा होगा कि जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या है, एक क्वेश्चन दे देगा उसके ऊपर एक आंसर आएगा, ये तो अगर मतलब एक छांटना होगा उसमें आंसर, ये तो होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट आंसर, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल कैसे क्या है, बहुत सारे आंसर उसके ठीक होते हैं, जैसे ऑप्शन पाँच दे दिया चार दे दिया, दो या तीन ठीक हो, चारों ठीक हो या एक दो ठीक हो, इसे बोलते हैं क्या मल्टीपल, ये तो मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर है। ये एक क्या आता है, एक आता है मैट्रिक्स टाइप, क्या होता है मैट्रिक्स टाइप, क्या होता है जैसे मैचिंग हो कि मान ले एक मैट्रिक्स ही बना देगा यहाँ, यू
ए बी सी डी, फिर इसके आंसर इधर होंगे ए बी सी डी, मैच करना होता है, मैचिंग मैचिंग, कौन सा किसका ठीक है, मैचिंग भी तो होता है, होता नहीं तो ये भी आते हैं, इस तरह के भी आते हैं और इस तरह के भी आते हैं, मतलब वही नहीं है कि बस सीधा एक ही एक ठीक होगा, इसलिए मल्टीपल भी आते हैं और मैचिंग चीज़ें जोड़े मिलान के आज हिंदी जो है। अच्छा अब सवाल क्या है, ये सवाल है, ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, साइन 15 कोस 15 क्या सवाल है, ये सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, विच इज द फॉलोइंग इज द रैशनल ट्रिग्नोमेट्री का रेशो, कौन सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशो क्या है रैशनल है, आई नहीं हिंदी में बात नहीं मिली, आई नहीं सवाल, क्योंकि ये चार हैं ऑप्शन, इनमें से ये बता लगाना है कौन सा नंबर या कौन सा जो जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है इसमें क्या है रैशनल है, रैशनल क्या हो भाई, किसे कहते हैं रैशनल नंबर, हाँ ये नंबर विच इज, बस ये फोन की उम्र पर रैशनल हो जाता है और वही तो नहीं पता, तो बताया था मैंने यार नंबर तो मैंने ही बताया, ये तो याद होने चाहिए, और तुम तो थे क्लास में, तुम भी थे, मैं बताया था क्या बताया था मैंने रैशनल नंबर, ए नंबर विच इज बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, देयर क्यू नॉट सच दैट क्यू डज नॉट बिलोंग टू यू एंड पी एंड क्यू बिलोंग टू आई इन पी, क्या कहा, यानी एक वो नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा, शर्त क्या है इसका, क्यू का मतलब हर जीरो ना हो, क्यू का मतलब हर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, जितने डिनोमिनेटर गए डिनोमिनेटर क्या ना हो जीरो ना हो, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर क्या हो बिलोंग टू आई, आई होने चाहिए फॉर इंटीजर, आई फॉर आई सर जिसे क्या बोलते हैं रैशनल। अच्छा एक फ्रैक्शन होती है जो क्या चीज़ हो भाई, फिर हाँ यार चल पूछे नहीं बता दूँ, चलो पहले कई कौन क्या की जाए, सुनी होगी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की जगह है पता नहीं भीन क्या है जी थे, तो भीन क्या होगी भाई पी भाई, तो ये क्या फर्क है दोनों में, अच्छा फ्रैक्शन में आ जाता है नीचे जीरो, और तुम नहीं तो कह रहे मतलब ये जैसे मान ले चार अपॉन जीरो फ्रैक्शन हो जाएगी हैं जी, तुमने तो कहा इसमें जो फर्क है ये फर्क है, क्या फर्क है दोनों में, ये तो बताया तुमने मुझे रैशनल नंबर, चलो मान जा ये तुमने बता देता, इन्होंने इन्होंने बता देता, किसने बताया तुम्हारे अंदर रैशनल नंबर जी इस तरह का है, यो फ्रैक्शन ही इन्होंने बता दिया, इन दोनों फर्क क्या हुआ भाई जी, नहीं राहुल मतलब भीन मार पूरी में संख्या में क्या फर्क है, मैं पूछा देता सीधा देखो इसमें क्या होता है, देखो जो फ्रैक्शन पढ़ते हैं हम पाँच ही तक के पढ़ लें हैं फ्रैक्शन, ये एकदम है भिन्न पढ़ लेते दो ही चीज़ें, भिन्नों का जोड़ दो बटा तीन पहले एक बटा तीन बराबर तीन बटा तीन है, तो इसमें फ़र्क इंटीजर का ही है, ये ज़रूरी है कि इसमें फ्रैक्शन में इंटीजर हो, फ्रैक्शन में इसमें इंटीजर नहीं, इसमें फ्रैक्शन में प्लस का ही होता है हमेशा, कहीं भिन्न पढ़ी तुमने चौथी तक माइनस दो बटा पाँच क्यों नहीं पढ़ी, देख बच्चों को बताया भाई पहली मत छः मत पाँच जाके एक, सारे बच्चे एक रुक कतर हैं एक साथ, और पाँच में से छः जाते नहीं, यूँ नहीं बताते पाँच में से छः यूँ नहीं बताते बच्चे को, सुना होगा तुमने तो इतना ध्यान होगा, लेकिन वो गलत पढ़ाया है, बच्चे भी छोटा हो ये भी ठीक है, फिर बताए हम पाँच जल्दी पाँच में से जाके माइनस का एक, तो वो गलत पढ़ा रहे थे मास्टर जी, वो ठीक पढ़ा रहे थे जब जब उसकी उम्र इतनी थी, यानी उलझ जाता हो तो इसमें उलझ जाओ हैं, तो इसलिए ये है माइनस का, इसमें जो है ये माइनस की एक बटा दो फ्रैक्शन नहीं होती, क्या होती है फ्रैक्शन, ये माइनस की एक बटा दो क्या होती है रैशनल नंबर, इसका मतलब बड़े यानी सारे जो जो नंबर हैं ये सारी भीन इसके रैशनल नंबर के अंदर आ गई, यानी ऑल ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, क्या कहा, जितनी भी फ्रैक्शन होंगी सारी क्या होंगी वो रैशनल नंबर, बट नीड नॉट
या बट नॉट नेसेसरी ऑल लेस नंबर आर फ्रैक्शन, ये जरूरी है कि इसका ही फ्रैक्शन हो। जैसे ऐसे है, जैसे तो बच्चे आ रही है पिताजी, जब पिताजी के लेटर आएगा तो ये तो बच्चे किस चले जाएंगे खाना खाने, हैं इसकी जरूरी है जगह ये भी हों, हैं वे चले जाओ, ये बच्चे का बर्थडे आया कहाँ जाना है पापा, जाते भी नहीं वहाँ है, लेकिन जब जब पापा की दावत आया था सब चले रहा मजा मजा दावत आया, बच्चे कह रहे हैं थारी भी आए और रसगुल्ले मिलेंगे फिलहाल जगह हैं, शाम को चलेंगे रात को ही हैं बात तक रहे हैं स्कूल में ही हैं, अभी कहा रात को मजा आ गया भाई क्या कम नहीं तो बोला तूने खाई थी भाई गाजर का अभी मुझे दिखा ही नहीं कहाँ था, अगर भीड़ ज़्यादा हो रही थी हैं बच्चे बात तक रहे हैं इस तरह कि बच्चे पर लटर आया वो लटर किस पाया वो पापा पापा ये तो है पापा ये क्या बच्चे भूल दे नहीं अच्छा भाई हम सवाल से हट गए थे खैर। अब मुझे ये पता लगाना कि कौन सा नंबर इसमें रैशनल है, ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। वैल्यू किसकी निकालनी है, प्राइम 15 की, क्या की वैल्यू निकालनी है, प्राइम 15 की वैल्यू निकाल लो भाई क्या जाएगी, याद है शाबाश बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया, बताओ क्या होगी, हाँ रूट थ्री, बोलो बोलो, हाँ रूट थ्री प्लस वन, हाँ ये इन्होंने ये बताई रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, ये तो बताया आपने है, तभी तो माइनस आ गई, मैं तो तुम्हारी इज्जत रख रहा था तुमने फिर गलती कर दी, अरे रूट थ्री माइनस वन क्या होती है, देखो किस तरह निकलती है ये, देखो अभी देखो भी हो जाएगा, साइन 45 माइनस 30 साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, मैं तुम्हारी यार दे इन्हें वो नहीं आई है ये कहना इज्जत रास नहीं आई है, वन अपॉन रूट टू कर रहा लो भाई कर रहा भाई मन की बेदी कर रहा, तो रूट थ्री की मन की रूट थ्री अपॉन टू रूट टू माइनस के मन अपॉन टू रूट टू क्या गया रूट थ्री माइनस के मन, जब मैं बता रहा यहाँ से मेरे मान लेते भाई तो तुम्हारे सोचने थोड़े काम चलेगा ना, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू तो क्या गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन भाई आगे से नहीं अच्छा, अब ये बताओ ये नंबर कैसा होगा यार, वैसे नहीं रहे ये तो मना कर रहे भाई ये नहीं मान रहे, जब ये नहीं मानने में किसको मान लूँ, फिर क्या होगा फिर खत्म हो जाएगा रूट टू, रूट टू ऊपर आएगा फिर भी रूट टू तो फिर कहाँ जाएगा हमारे घर जाएगा, देखो भाई एक प्रॉपर्टी है, अच्छा रूट टू नंबर है कैसा, ये रूट टू नंबर है कैसा, ये क्या नाम है क्या नाम है इस नंबर का, देखो भाई ऊपर कैसा नंबर है ये रूट टू कैसा नंबर है ये इरेशनल, ये कैसा नंबर है एक रैशनल, एक तो रैशनल है ही, जैसे कुछ जिसके कुछ भी ना हो उसके नीचे एक हो तो 4/1 रैशनल नंबर आ गया, तो इरेशनल माइनस रैशनल हमेशा क्या नंबर आता है इरेशनल, क्योंकि इरेशनल को प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो क्या आता है हमेशा इरेशनल ही आएगा, ज़्यादा ज़्यादा जहर हुआ है ऊपर क्या आ गया इरेशनल, नीचे भी क्या आएगा इरेशनल पोल रैशनल क्या आएगा, तो ये नंबर कैसा होगा, अच्छा ये मुझे क्या था, तो ये तो भाई साहब लाइन मारे कट गए, तो अब किसकी वैल्यू कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी, हाँ अब भी प्लस लिख देंगे तो बात सही है भाई बहुत अच्छा करा उन्होंने, देखो इज्जत अब तो इज्जत दे रही तुम्हें, ये कैसा नंबर होगा ये भी रैशनल होगा, अब भाई साहब आ गए साइन 15 कॉस 15 की रट रखी किस क्या होगी इसकी वैल्यू, हाँ साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी, किस तरह किसकी इसकी और इसकी, शाबाश बहुत बढ़िया, देखो आंसर बिल्कुल बेहतरीन बात बताई बिल्कुल, देखो इससे एक तो इस तरह कर सकते हैं, अगर ये ना कहो जी मैं इस तरह करती नहीं है, कह रहे कि मैं नहीं इस तरह करता है, यूँ नहीं करा तुमने यूँ कहा यूँ नहीं कराता मैंने इस तरह करता ये नहीं करता, देखो दो से मल्टीप्लाई कर दूँ दो से डिवाइड तो टू साइन ए साइन बी क्या बराबर होता है साइन टू ए क्या जाएगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आ गया, अब भी नहीं आया इन्होंने कहा मैं इस तरह भी नहीं करती, चल भाई ना इस तरह कर भाई
देखो 1/2 मल्टीप्लाई 2 साइन 15 कोस 15, इसका मान लिया है 2 साइन ए कोस बी। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 ए प्लस 2 साइन ए कोस बी भाई, ये वो 2 साइन ए कोस बी का, वो 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला साइन 2 ए भाई, 2 साइन ए साइन 2 ए का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए, मैं बोल रहा 2 साइन ए कोस बी। अगर मान लिया 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा तुम्हारे, अरे ये तो सेम है, याद है नहीं, मतलब मुझे गड़बड़ी से आंसर चाहिए। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कल लिखाया था याद नहीं कर रखा है वो फॉर्मूला तो है, फिर इसमें ये लगा दूंगा, फिर इसमें लगा दूंगा, मतलब मैं कहना चाह रहा कि किसी तरह निकाल लो भाई, गर्दन कभी हिली तो इस तरह निकाल लिया। अच्छा अब मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, अच्छा ये 1/4 क्या था नंबर होगा, रैशनल इरेशनल, ये तो हो गया भाई साहब। अब इसकी साइन 15 कोस 76 की वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकाल के दिखाओ, बोल लेते मैं इसी तो तरीके बताए थे अलग अलग, मैं किसी तरह निकाल लिया भाई, हमेशा एंगल बराबर। अब इसकी क्या वैल्यू होगी बताइए जरा, चला लो थोड़ा सा पेन यार, मैं वही चला, तो हाँ क्या आ गया, क्या आ गया रूट 3-1, हाँ बोलो रूट 2 बोलो, हाँ ठीक है, तो कैसा नंबर आएगा ये, कैसा नंबर आएगा, रैशनल आएगा, तो भाई इरेशनल आएगा, रैशनल आएगा, 2 का रूट आ गया भाई, तो इरेशनल ही आएगा, तो नंबर कौन सा आया वो सी वाला सही था और सारे गलत थे, इसमें 2 भी आ सकते थे, आगे समझे भाई, पहचान लूंगा आसान सवाल था ये भाई एक बार, बस इसने क्या करा, इसने यूना चेक करके कि साइन 75 की वैल्यू बताओ, साइन 90 की वैल्यू बताओ, यूँ चेक कर लिया, देखो कुछ आया भी नहीं है ना, इसे मेन क्या चेक करना था कि 75 की वैल्यू भी अगर रटाओ, देखो साइन 15 की वैल्यू उठाओ, सीधे सामान से निकल जाएगा रटाओ देने, इसका मतलब साइन 15 की वैल्यू तुम्हें आधी आनी चाहिए, जिससे इनके याद थी, इसका मतलब तुम्हें साइन कोस 75 की वैल्यू आनी चाहिए, सीधी वैल्यू पे मल्टीप्लिकेशन करनी, फिर तो ये तो तरीके मैंने लंबे लंबे बताए थे, तो सीधा आपको क्या है वैल्यू रख के सीधी क्या करनी है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी, एक मिनट में जाएगा ये सवाल करेंगे, ये मतलब था आगे एक सवाल हो रहा है, देखो भाई ये है 10α 2 10α 4 10α 8 10α 8 tan 8α, इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है भाई इनकी वैल्यू, ये सबका क्या मान होगा, फाइंड दिस वैल्यू या प्रूव दैट, एक ही बात है तो आंसर तो बता रहा है, ये बताता नहीं हो चार बता रहा छांट बैठ के, तो इसका क्या वैल्यू होगी इसकी, तो एक ही बात है चाहे तो प्रूव करते चाहे का फाइंड वैल्यू किस तरह करेंगे भाई, कुछ अकेले में थोड़ी थोड़ी बात, हाँ भाई क्या कह रहे हैं, सीरीज बन रही है, अच्छा और क्या हो सकता भाई, बोल रहा करो कुछ तो बोल रहा करो, गलत ही बोल रहा करो, कुछ कह रहा है टैक्स नहीं लग रहा, कुछ ही बोल रहा करो, हाँ भाई क्या करना चाहिए मुझे, क्या बताओ तुम्हें लिख नहीं दे आते कोई, अच्छा नीचे रखो ठीक हो, बताओ क्या आ जाएगा, क्या आना चाहिए, सर इसमें मतलब
हाँ देखो यहाँ नहीं जितना एंगल है इतना ही, यहाँ इतना यहाँ इतना यहाँ इतना यहाँ ठीक भी लिख लिया नहीं गलत सवाल और गलती बहुत हो रही सवाल लिखने भाई हाँ सवाल थोड़ी सी गलती है यही है दिक्कत नहीं है वो तो मेरी मैया आज कुछ कर लिया सवाल हैं सवाल होना चाहिए बुद्धि अब देख सवाल में ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ा है तुम्हें क्या फ़ायदा हो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बात तो मेरी मई रही है देखो क्या करता हूँ मैं टेन टू अल्फा ले गए थे ये भी आई टी में आया आपको बहुत आसान सवाल है ये भी आई टी में डायरेक्ट जो है सवाल टेन अच्छा ये जितने मैंने सवाल होते बड़े मैंने आसान थे कॉन्सेप्ट ही थे पर थोड़ी अकल लगाई थी थोड़ी अकल वो जो लगाओ जंग लगाओ कूड़ दिमागो पेज कैसे खुल जाओ वाला बात है टेन टू अल्फा क्या होता है टेन टू अल्फा टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ये तो सबको पता क्योंकि इसमें कोई शक है कुछ इसको उल्टा कर दूं भाई क्या जाएगा टेन टू क्या जाएगा बोलो वन अपॉन टेन टू अल्फा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू टेन अल्फा ठीक यहाँ तो बात समझ आ गई वन अपॉन टेन टू अल्फा क्या इक्वल होता है भाई कोट टू अल्फा इक्वल टू हैं जी बोले कुछ कहते हो अच्छा अब तो ठीक हो गया कैलकुल देखो दो की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा तो टू कोट टू अल्फा आ जाएगा इधर क्या आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कौन टेन अल्फा यहाँ तक की दिक्कत क्यों नहीं बोलो बोलो भैया आप भी कुछ बोल जाओ थोड़ा बताओ अलग से बैठे लोग पास पर बैठ जाओगे इनकी मिलकर टू कोट टू अल्फा इक्वल टू क्या आएगा वन अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन अल्फा इसको नीचे नीचे आएगा अलग कर दिया दिक्कत आई कुछ तो क्या आ जाएगा ये टू कोट टू अल्फा टू कोट टू अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा इन्होंने बताया मुझे टेन तुमने तो बताया टेन स्क्वायर अल्फा टेन अल्फा है तो ये आ गया टू कोट टू अल्फा इक्वल टू कोट अल्फा माइनस के टेन अल्फा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं अब मेरा सवाल क्या था सवाल ये था क्या था बोलो ठीक है भाई यहाँ से कोट एट अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ से है चार की दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं दिक्कत तो नहीं तो क्या आ जाएगा एट कोट टू अल्फा बराबर फोर कोट अल्फा माइनस फोर टेन अल्फा या बाहर फोर लगा दूं बस यहाँ मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि ये यूँ कह रहा है टू कोट टू अल्फा बराबर फोर अल्फा माइनस टेन अल्फा अगर मैं यहाँ एट और यहाँ एट रख दूँ एट फोर की तो मल्टीप्लाई होगी तो फोर की दोनों से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा फोर कोट अल्फा माइनस के फोर टेन अल्फा आई नहीं बात में मेरा देखो कोट ए इसकी वजह से आज भाई साहब ये बैठे मगर यही करेंगे मेरे कुछ उधार सा थोड़ा होता है तो कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं चलो क्या आ गया टेन अल्फा प्लस जी एंगल में काम तो बाहर कर रहा है एंगल में कटा रहा है मिट्टी भाई देखो इसका अधाई तो हो रहा है यहाँ ये यहाँ टू अल्फा आ रहा तो यहाँ क्या आ गया अल्फा यहाँ एट अल्फा आएगा तो यहाँ कितना आएगा फोर अल्फा आएगा जितो कोस टू थीटा का फॉर्मूला टू कोस क्या थीटा माइनस वन कोस थीटा बराबर टू कोस क्या थीटा बाई टू माइनस वन नहीं करते साइन क्या क्या हाँ हाँ ये इस तरह की फॉर्मूले हो रही है पढ़ रही है लिख के अगर जाके भी है कोई दिक्कत नहीं है तो क्या आ गया टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर टेन फोर अल्फा प्लस एट क्या आ जाएगा कोट अल्फा की वैल्यू कितनी हो फोर कोट अल्फा क्या जाएगी फोर कोट फोर अल्फा भाई ये वही बात बता रहे हैं इसलिए तो गरीब बात बताई थी इनकी बात काट देते तुम है नहीं ठीक है बेटे
अब क्या आ गया देखो, टेन यार ये लाइन समझ में आ गई क्या भाई तुम्हारे? यस सर। आप किन समझ गई? देख हाँ ठीक है कोई बात नहीं। साइन टू ए इक्वल टू क्या है बोलो? टू साइन ए कॉस ए, यही तो आता है। अब साइन चार ए करूँ तो क्या आएगा बोलो? टू साइन टू ए, खुद ही तो बता रहे मुझे, देख लो इवन एंगल बढ़ रहा। अब साइन ए का क्या आ जाता है? अरे मैं भी नहीं करा जल्द, अब यहाँ भी तो यूँ है, अब यहाँ टू का आधा हाफ हो रहा है, एट हो गया, फोर नहीं आ जाएगा का, अब भी नहीं बात हुई। लेकिन जब जब यहाँ टू है तो वन है, यहाँ एट है तो चार आ जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, क्या कह रहा है, अब भी नहीं बात हुई जी, आ गई। अच्छा अच्छा थोड़ा तेज हो गया, वो बेहतर काम है। ठीक है देखो कोई बात नहीं, टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर टेन क्या कह रहे कुछ कह रहे आप बस बहरे पने का फायदा उठा दें। फोर फोर अल्फा माइनस फोर टेन फोर अल्फा माइनस फोर टेन फोर अल्फा, कभी कभी होती है सुनी जा बात, इससे ये क्या बच जाएगा, ये टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर 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 अल्फा। थोड़ा सुकून तो मिला दिल को, मैंने थोड़ा सा हुआ तो थोड़ा छोटा सा है, अच्छा नहीं लगा। देखो अब यहाँ से फिर फोर कोट फोर अल्फा क्या जाएगा बोलो, क्या जाएगा क्या पूरा बोल लो, इतना सुनना दिखा गलत बोल रहा, इतना भी नहीं हूँ क्या जाएगा तो यही बताते ये लिखने रखा है। अब आगे समझ में ये कहना चाह रहा है, इनकी बात समझ में आ गई होगी मेरी, नहीं इनकी तो बात सुन लो, क्या आ गया टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर कोट फोर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, टू फोर की टू कोट अल्फा माइनस टू टेन है बोलो, टू सीधा लिख दूँ टू कोट टू अल्फा माइनस टू टेन टू अल्फा है भाई साहब, इस टू टेन टू अल्फा से फिर इसकी दावत कर देगा ये, क्या बच जाएगा टेन अल्फा प्लस टू कोट टू अल्फा, फिर देखो और दिल खुश हुआ और छोटा सा हो गया है, अब तो अच्छा होता जा रहा दिल से है, टू कोट टू अल्फा क्या आ गया तो सीधा ही लिख दूँ भाई अब मैं, क्या आ जाएगा बहुत शाबाश देखो कितनी अच्छी आवाज़ से बात है, कितनी आवाज़ एकदम सुना जाओ है, टेन अल्फा प्लस क्या देगा कोट अल्फा माइनस के भाई साहब से, ये भाई साहब कट जाएंगे, क्या आ गया कोट अल्फा, ये कितना छोटा सा आंसर था, अभी संकट था तो बढ़िया था आंसर था, हाई आई टी लेवल का सवाल हाँ आसान लेकिन थोड़ा ये था कि पाऊंगे, ठीक है बढ़िया था सवाल सर, अब तो कर सको इस तरह के सवाल, उम्मीद बढ़ी कुछ, अब तो आसान हो गया या अब भी मुश्किल था, फिर आगे देखेंगे इसे, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल लगा मुझे बहुत।
देखो अब अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अगला? log tan x 2 plus 4 cos square x is equal to 2, क्या सवाल है ये? log tan x 2 plus 4 cos square x is equal to 2, find the value, solve it, मतलब किसे सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या इक्वेशन भाई? क्या है कि वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन है ये, किससे निकल सके भाई x की वैल्यू बताओ, कौन से वाला फॉर्मूला? बोलो बोलो, ठीक है ठीक है, तुम्हें कुछ जी चाहिए कुछ कहने के लिए, कुछ तुम्हारा कुछ? देखो भाई एक अगर ये होता कहीं लोग यहाँ एक्स हो, यहाँ वाई हो और यहाँ ए हो, कुछ हो इसको लिख सकूँगा मैं, लोग हटाना चाहूँगा कोई वाला प्रोडक्ट का तुम दे बताओ, याद ही नहीं है पढ़ पाया नहीं, ये तो ये थोड़ा बड़ा तरीका जी पढ़ दूंगा पता नहीं, हाँ शाबाश बहुत बढ़िया बताया भाई, देखो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कि यूँ कहा कि एक्स की पावर ए क्या लिख पड़ा खा भाई, तुम्हारे रहते हैं ये हथरेते हैं तुम्हारी बात में, एक्स की पावर ए इक्वल टू वाई, क्या गया एक्स की पावर ए इक्वल टू वाई, ये लोग हट जाओ इसे लिख दो आसान फॉर्मूला मिटो दी, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ, तो 2 प्लस 4 होल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स है भाई, तो क्या आएगा बोल लो, 2 प्लस 4 होल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स, इससे यानी इसकी पावर आ जाए यहाँ जो का बेस हो, इसकी बेस इसके बराबर आ जाए, लोग हट जाए आई नहीं बट्टे बात में, किस तरह बता तुम्हें ये किस तरह हो सके, ये बता करके दिखाऊं किस तरह हो, इसका मतलब क्या है, लोग लाम लगाने का ये लोग किस काम आ रहे जी, लोग किस काम आ रहे हैं, बड़े बात अच्छी भाई काम किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है पॉइंट के कई वैल्यू तक निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये लोग थीम के नाम पढ़े जी, कहते नाते लोग पढ़े नहीं पढ़े नहीं, देखिए तो तुम करे ना पता नहीं हो गया क्या, देखो क्या होता है जो दीजिए, देखो तुमने ई पढ़ा, ई भी नहीं पढ़ा, ई की पावर एक्स चल घटान की हूँ, ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई, पढ़ा है ये, ई भी नहीं पढ़ा, क्यों भाई हैं, नहीं वो कहीं से तो बात शुरू होगी ना, रिलेट तो वहीं से होगी ना, नहीं हाँ बस यही सोच रहा हूँ, फिलहाल तो भाई यही ठीक है भाई, तुम देखो ये क्या होता है, एक जैसे चर घतान की होती है, एक लोग भी है, क्या होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए, अगर मैं कहूँ कि लोग टू की वैल्यू बताओ, लोग टू की वैल्यू पॉइंट 30 10 होती है, क्या होती है 9.30 10 होती है, क्या होती है इसे कुछ फॉर्म ले, क्या फॉर्म ले, अगर बेस समान हो लोग ए मल्टीप्लाई बी, क्या होता है फॉर्मूला, लोग ए प्लस
अरे भी तो तुमने पता ही नहीं, कहीं हमने करा नहीं, सर ने बताया बस, ये हाँ लोग ए प्लस लोग बी और लोग एम अपॉन एन क्या कुल होता है, लोग एम माइनस लोग एन। यहाँ तक बात में आ गई, फिलहाल इतने से काम चल जाएगा तुम्हारा। यहाँ अगर इसका इसके नीचे जहाँ कुछ ना हो वहाँ लोग दस मान लिया जा, जहाँ कुछ ना हो वहाँ दस, और लोग दस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, तो बताया उन्होंने लोग सौ की वैल्यू दो, ना 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 देखो देखो लोग दस की वैल्यू सर वन वन और लोग सौ की वैल्यू जितने भी हो उतनी मान लो, क्योंकि यहाँ दस तो है ही है, लोग एक हजार की वैल्यू ये तो बात समझ में आ गई यहाँ तक के। एक और फॉर्मूला है लोग एम की पावर एन, लोग एम की पावर क्या होता है एन लोग एम, ठीक। अगर कहीं ये लोग दस, अच्छा इसे ये भी देख सकूँ भाई, मान लिया लोग ये है लोग टेन अपॉन लोग यो, यहाँ टेन तो है ही, यहाँ बताया था तो, अगर कहीं हो लोग एक्स हो और ये वाई हो, इसे क्या लिख सकता हूँ लोग एक्स अपॉन लोग वाई, लोग एक्स अपॉन लोग वाई। इसी तरह ये लोग दस है तो इसको लिख सकूँ लोग दस अपॉन लोग दस, लोग दस की वैल्यू कितनी हो वन अपॉन वन, तो इसे वन है ये, क्या लोग दस से लोग दस कट गया, लीजिए आगे सुनिए। अब इन्होंने क्या बताया था मुझे, इन्होंने भी बताया था मुझे कि अगर ये हो लोग ए एक्स बराबर, या वाई था यहाँ बराबर ए, यही तो था, इन्हें कहा था वाई की पावर ए इज इक्वल टू एक्स लिख दो, किस पे लिख दो, इसे लोग एक्स में लिख लूँगा भाई, इसे नीचे किस पे लिखूँगा लोग वाई में इज इक्वल टू ए, जो फॉर्मूले थे इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी, तो लोग एक्स क्या इक्वल हो गया ए लोग वाई। देखो अब ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कहाँ वाला हाँ ये वाला ए लोग एम की पावर एन बराबर एन लोग एम, तो एन लोग एम क्या है क्या बराबर हो जाएगा लोग एम की पावर एन, ये क्या आ जाएगा लोग लोग एक्स बराबर लोग वाई की पावर ए, लोग से लोग कंपेयर हो गया तो क्या आ गया एक्स बराबर वाई की पावर ए, ये है भाई। अब तो सिनेमा आ गया होगा, कहाँ से आए या नहीं आया, अब तीसरा तो आ गया, यहाँ हो उसका काम ये इस तरह, अगर किसी भी वैल्यू को निकालते हैं तो ये आ जाता है। तो ये क्या आ गया टेन स्क्वायर एक्स बराबर, इस फॉर्मूले से टेन स्क्वायर एक्स बराबर टू प्लस कोस स्क्वायर, ये फॉर्मूला जरूर याद होनी चाहिए भाई, ये वाली जो लिखा है ना ये मैंने ये है, इसके बिना काम नहीं चलता, ठीक है। अच्छा क्या आ गया, उन्होंने 0.2303 में मल्टीप्लाई करी होगी, उन्होंने बदला हुआ है सही क्वेश्चन आई होगी, लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स है, रेडियोएक्टिव तो पढ़ाई थी ना, और क्या पढ़ा रहे केमिस्ट्री में क्या का 2.0303 अपॉन टी आर में आई थी चलो जैसी आई होगी। तो फिलहाल 2/2 + 4 को स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, 2 + 4 कोस स्क्वायर एक्स है भाई, इसको क्या कर दिया मैंने फिर इसको कोस में बदल दिया, इसे इसे कोस में बदल दूँ, ये कहे चलो भाई इनके इनकी कहना मान लिया, 2 + 4 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन भाई, तो क्या 2 + 4 cos स्क्वायर x बराबर 1 - x अपॉन cos स्क्वायर x, दोनों मल्टीप्लाई कर दूँ इधर क्या आएगा 2 + 4 cos की पावर 4x इज इक्वल टू 1 - तुम्हें मल्टीप्लाई होगी 2 cos स्क्वायर x होगी भाई, ये सही कह रहे हैं तुम्हारा ध्यान नहीं गया इधर है, तुम ऐसे 2 cos² बराबर प्लस 4 cos² 4x इज इक्वल टू 1 - नहीं 1 - cos² यहाँ से बात समझ आ गई ना, 4 cos² 4x जुगा तू 2 cos² x एक यह क्या आ गया 3 cos² x और इधर आगे वो बना के -1 = 0 समझ में नहीं आएगा तुम्हारे बात ये
बोलो भाई यहाँ तक करो, कोई दिक्कत नहीं है, रटने वाली बात नहीं है। देखो 4 cos^4x + 3 cos^2x - 1, अब इसे जो है डिमोट वो आ गई है वैल्यू, क्या थी आ गई, ये तो हो गई इक्वेशन, हो गई जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह ही सॉल्व कर दी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू बताना। देखो भाई इनमिटू बोल दूँ कैसे लोग वाली पिटो दूँ, देखो क्या आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई, क्या आ गई इक्वेशन, 4 cos^4x + 3 cos^2x - 1 = 3। यहाँ तो बात नहीं होगी, अब देखो क्या करता हूँ मैं, मेरे 4 की 1 में अच्छा cos स्क्वायर एक्स को t मान लूँ, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा हो cos स्क्वायर एक्स क्या मान लूँ, t मान लिया तो क्या जाएगा यार 4t² - 3t - 1, 4 × 4 कैसे फैक्ट है जिनका 3 हो, क्या आ गया आंसर, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बुढ़े हो गए करते करते तू, क्या आ जाएगा टी का आंसर बताना, है 4 - 1 यही है तेरे, मैं क्या करूँ, अरे कॉपी में तो चला लो आज, हाँ पेन नहीं चला, पेन तो चला लेते थोड़ा सा, अरे वैसे ही बता दिया अंदर से है ये भी ऐसे बताओ, मैं तो अगर वैसे ही बता के बता दिया है, हाँ ये है बात, अरे मैं था तुम्हारी वजह से, फिर क्या कह रहे थे भाई, फिर जरूर पड़ा था कि भाई क्या आ गया वैल्यू टी की वैल्यू ये बता रहे टी की वैल्यू वन अपॉन फोर आएगी तो कोस स्क्वायर टी क्या है कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर भाई यो वैल्यू यो भी नहीं आता ये चेक करके दिखाऊंगा मैं तो बुढ़े हो जाएगा करते करते तो अब कोस एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन बाई टू और याद का स्क्वायर का वही नहीं है कोस स्क्वायर वाला कोस स्क्वायर अल्फा ये नहीं होती भाई वही नहीं वैल्यू आती इसमें प्लस माइनस तो क्या आ जाएगी वैल्यू एक्स बराबर क्या आ जाएगी बोल लो वन बाई टू क्या क्या मान लो कितने का 60 और पाई में क्या कहेंगे इसे पाई बाई 3 तो क्या आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 भाई फॉर्मूला था वो कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर अल्फा नहीं जाएगा गयो अभी सभी बताया कोस स्क्वायर की वैल्यू नहीं जाएगी गयो हाँ ये फार्मूला टू डायरेक्टली बताया मैंने बेटे ही बताया था मैंने सभी फार्मूला सबसे शुरू का खोल भाई खोल सबसे शुरू का तो भाई जहाँ भी आज शुरू करा आज कहाँ से शुरू करा फार्मूले लिखा है मैंने भी तीन फार्मूले चौथा यही तो था कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर अल्फा ये क्या था भाई भाई ये तो लिखवाया था मैंने ये स्क्वायर का नहीं है तो ये स्क्वायर ही नहीं है कहीं ये 1/2 का स्क्वायर नहीं है यार तुम भी ले यूँ पागल से बन रहे थे यही नहीं आएगा यो कोस स्क्वायर पाई बाई 3 नहीं आएगा ये यूँ तो है भाई कितना हो गया रटा तो नहीं अब तो समझ में आ गया हमने ठीक कर रहा था मैं बोलो भाई हो गया उतारना चाहो उतार आगे बढ़े तो दो
चोर भी ज़्यादा हैं तो आज चोर भी छुट्टी है, नहीं रोज छुट्टी मिलती है, ये जिस ज़्यादा पैसे जहाँ थे बजा दिए हैं, जूते बदल बदल के ला रहे हैं है नहीं, रोज इन्होंने हाथ तुम रखे ना बहुत दिन नहीं चले गए, आज ज़्यादा हो गई नहीं वहाँ खराब हो गई है कहीं नहीं छूट नहीं थी छूट जाए नहीं तो चार ऑप्शन है नहीं है देखो भाई ये भी आगे थे एक बार आई टी में सीधा डायरेक्ट सवाल यही था बिल्कुल यही कि इसका ये था कि ये मल्टीपल चॉइस आंसर है कि इसमें जो है कौन सा सही होगा कौन सा एक भी सही होगा सही होगा तीन भी सही चारों भी ये भी मल्टीपल चॉइस था देखो भाई क्या सवाल था देखो पहले फंक्शन समझ लेते हैं एफ ऊंचाई बात है मैं सही तो लिखा नहीं गया ये एफ एन ठीक एफ एन थीटा बराबर टेन थीटा बाई टू वन प्लस सेक थीटा वन प्लस सेक टू थीटा वन प्लस सेक फोर थीटा वन प्लस सेक टू की पावर एन थीटा दिक्कत तो नहीं भाई इसकी वैल्यू है फिर मुझे प्रूव करना है कि इसमें से ये वैल्यू सही होगी ये सही होगी ये सही होगी ये सही होगी ये डी है यहाँ ये सवाल तो फिर आ गया होगा अब करते हैं चाहे करने से पहले सवाल फिर एक बार लिखेंगे क्या आएगा देखो भाई सवाल है मेरा क्या सवाल है भाई देखो क्या सवाल है भाई बोलो एफ हाँ एफ एन थीटा ओके अच्छा लिखा जा रहा एफ एन थीटा इक्वल टू बोलो टेन थीटा बाई टू वन प्लस सेक थीटा वन प्लस सेक टू थीटा वन प्लस सेक टू की पावर एन थी कुछ कह रहे थे भाई आप अब बताओ क्या कह रहे जी मैं फिर अभी तो तुम कह रहे थे कहना तो अच्छी बात है देखो क्या आ गया भाई ये टेन थीटा हाँ देखो मैं टेन थीटा बाई टू क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अच्छी बात है पढ़ते हैं सही पढ़नी चाहिए यह साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू है बेटे वन प्लस सेक थीटा की वैल्यू वन अपॉन कॉस थीटा बेटे मैं जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता मतलब नहीं अभी मैं थोड़ा हसन है तो आदमी वैसे ही बोर हो जाते हैं हो क्या रहा केमिस्ट्री में तो पता चलता है कुछ हो भी रहा है या इतिहास में ऐसा हो जाए वन अपॉन वन प्लस कॉस थीटा सड़ जा दिमाग करते करते हैं ये क्या रहेगा सेक टू थीटा का वन प्लस वन अपॉन सेक टू थीटा जिसकी सड़ मारा उसकी तो बहुत मजा आया है जिसकी नहीं आ रहा तो सोचा यार कहाँ फंस गया तू है वन अपॉन कॉस टू की पावर एन थीटा है भाई ये तो है मेरे भाई दिक्कत तो नहीं आई है भाई बता दूँ गलती है साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू ये क्या आएगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन
cos थीटा, ये क्या आएगा 1 प्लस बोल चलो cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ये क्या आएगा 1 प्लस, हाँ चलो ये कर लो 1 प्लस cos 2 की पावर n थीटा अपॉन दिक्कत तो नहीं बाबूजी, हाँ तक के कोई नई बात बताई नहीं, कोई दिक्कत तो जवाबी जी नई बात बताऊंगा मैं नहीं, तो सब पुरानी पुत्र में बताता सब पता नहीं था। अब फिर देखो एक वही लाइन है, प्राइम प्राइम थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, वन प्लस कोस थीटा क्या बराबर सुनाता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। अभी जो तुमने बताया था मुझे फॉर्मूला, अब वन से बन जाऊंगा टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू लिख लूँ, दिक्कत तो नहीं बोलो भाई यार, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई क्या लिखो ना क्या करे बोलो मैं करे लिखो ना बिल्कुल भी, मैंने क्या गलत लिख दिया कोस थीटा है, इसका क्या आ जाएगा भाई टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा इधर क्या आ जाएगा इस तरह ही टू कोस की पावर एन बोलो टू कोस की पावर एन थीटा अपॉन जी, क्या कह रहे हैं क्या कह रहे बोलो ये कह रही ये चौक जो है वो नहीं है डोम इनके अंकों की गई रोज में गिरा आज गिर तो उधर बैठ जाते आप इधर हवा चल दी होगी बताओ, इसका तो कोई इलाज नहीं है, इस पर तो किसी मुकदमे लिखा जा सकता भाई है और किसी ने जाल ली है कोई इसके लिए तो कोई भी गुनहगार पंखे के ऊपर हो सके भाई, पंखा किसी ने बनाया हुआ हवा है ये पता करना पड़ेगा। चलो खैर फिलहाल तो इसको देख लो, अब तो तभी ठीक है वैसे झपका मारो कोई दिक्कत है, वन प्लस टू कोस और टू एन थीटा झाड़ यार हम तो गाड़ी नहीं चल रही थी ऐसे ब्रेक से मारे तो ट्रेन को खींच रहे ट्रेन को खींच जाओ है अच्छा मैं फॉर्म यहीं तो पूछा हूँ कहाँ ले गया मैंने कहा दिक्कत क्या क्या दिक्कत हो गई सर यहाँ पे टू कोस की पावर एन थीटा यहाँ पे करें हाँ देखो थीटा है तो थीटा बाई टू टू थीटा है तो थीटा अब यहाँ फोर थीटा आएगा तो कितना आएगा टू थीटा आएगा अब टू की पावर एन इसके अपॉन टू आ जाएगा क्या आएगा टू की पावर एन माइनस वन थीटा ये आएगा भाई टू की पावर भी तो आधी हो रही ना उसे डिवाइड हो रहा ना टू की पावर एन है तो टू की पावर एन माइनस वन आएगा देखो भाई अब क्या करता हूँ मैं इन कोस थीटा भाई साहब से ये कोस थीटा चले जाएंगे इस कोस थीटा से यहाँ कोस थीटा चले जाएगा इससे ये चले जाएगा इससे ये इससे बचेगा क्या ये दिक्कत आई ना क्या बचेगा क्या कल काम कर सकेगा तुम्हारी कॉपी में लिख के देख लिखते थे बढ़िया तो दबन्नी दबन्नी चल रहा ये वाली लाइन लिखो भाई सारी देखी लाइन में देख के यही पता चले क्या क्या आएगा देखना देखो अच्छा देखो अच्छा देखो देखो भाई देखो कभी उलझ जाओ तुम देखो यहीं की देखो इससे कट रहा नहीं yes, तो ये बचेगा टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू yes, क्या बचेगा नहीं ये बचेगा यहाँ से yes, ये तो नीचे तो नहीं बचेना फिर इधर से क्या बचेगा इस तरह ही इससे ये तो भाई साहब कट जाएंगे क्या आ जाएगा टू कोस थीटा साइन थीटा बचेगा देखो क्या क्या बचेगा इधर देखो एक मिनट के लिए इधर से पश्चिमों बचेगा टू साइन थीटा बाई टू है भाई फिर आगे क्या बचेगा टू साइन थीटा कोस थीटा फिर नीचे फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा बोलो है नहीं फिर ऊपर क्या आएगा टू साइन टू थीटा
कोस 2 थीटा आएगा, पर दो दो नहीं आएगा ये, जब एंगल दो दो आ रहे दो चार से बढ़ नहीं रहेगा, देख आधा एक दुगुना दो चार दुगुने नहीं हो रहे, देखो आधा दुगुना फिर दुगुना फिर दुगुना नहीं, समझो नहीं है, देखो थीटा बाई टू का दुगुना क्या होगा, थीटा बाई टू का दुगुना क्या होगा, इसका दुगुना फिर इसका दुगुना, फिर ये दुगुना ही तो आ रहा, इसका दुगुना जो है यहाँ थीटा बाई टू है, फिर दुगुना फिर टू थीटा कर ले क्या आएगा, टू साइन फोर थीटा कोस फोर थीटा है, आई नहीं बात है, अच्छा जी अब क्या आएगा, यहाँ तक तो बात समझ में नहीं आएगा भाई, आ गई, अच्छा अब यहाँ ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा, ये क्या आएगा साइन टू थीटा, ये साइन आगे नीचे फिर आगे 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 करके साइन टू एन थीटा, इस तरह के साइन टू की पावर एन थीटा, ये एन है टू की पावर एन टू थीटा जाएगा, जहाँ तक ले रहे हो तो लेंगे, यहाँ तक के से कर करते मेरे पास जाएगा साइन की पावर टू एन थीटा, अब भी नहीं ये बात नहीं, मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ी कंजूसी हो रही है, अन्य तरह की तीन लाइन हो रहे हैं, यहाँ तक समय आ गया, यहाँ क्या आएगी बोल लो लाइन बोल लो, ये कि इससे क्या आएगा फिर आगे साइन एट्वेल्व है मल्टीपल हो रही, सिक्स के आगे क्या आएगा ए फोर का आगे क्या आएगा एट, एट का आगे सिक्सटीन, ट्वेल्व की फिर हो गए मरेंगे, अरे भाई टू टू की मल्टीप्लाई हो रही, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे और बेटे बेटे एंगल यहाँ क्या आ रहा, कोई बात नहीं, हाफ का दुगुना क्या होगा थीटा का दुगुना, टू थीटा के बाद क्या आएगा फोर थीटा के बाद एट के बाद, अब तू ट्वेल्व नहीं आना, अब तुम ट्वेल्व ट्वेल्व करते अब समझ बेटे, कोई बात बुरा ना मान बेटे, ऐसे ही मजाक करते हैं, अब देखो नीचे क्या आएगा साइन थीटा पोन कोस थीटा, ये वाला क्या आ जाएगा टेन थीटा, आगे टेन टू थीटा, फिर आगे टेन एट थीटा, ये बता रहे मुझे देखो भाई, इन्होंने मुझे बताया टेन टू की पावर जीरो थीटा, टेन थीटा ही नहीं आएगा, फिर टेन की पावर टू की पावर वन थीटा, फिर टेन की पावर टू का स्क्वायर थीटा, फिर अप टू टेन की पावर टू की पावर टेन एन थीटा, टेन एन थीटा आएगा, और सब इनके टू टेन टू की पावर एन थीटा, तो ये आ गया सारा टेन की पावर टू एन थीटा, नहीं लगा गया जब भी नहीं आवाज आ गई, थोड़ा सा मिटूँ कहाँ से मिटूँ, ये सवाल लिख लेते सर, क्वेश्चन मिटा होगा सर, क्वेश्चन मिटो, क्वेश्चन लिख लिया होगा, यह क्वेश्चन नहीं लिखा तुमने, इसलिए क्वेश्चन लिखो मैं पहले समझ में, आप लिखने की वजह क्या है, ये ज़्यादा पढ़ाओ, ये भी सवाल है, अच्छा इसलिए इसीलिए आ रहा है, तुम्हारी समझ में तो आ रहा, बस ये मैटर नहीं है ज़्यादा बड़ा छोटा लिख हुआ है, तुम्हारी समझ में आना चाहिए, देखो अब क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया, ये एफ एन थीटा इक्वल टू, यही तो आ गया फंक्शन, और इक्वल टू कितना आ गया टेन टू की पावर एन थीटा, क्या आ गया टेन टेन टू की पावर एन थीटा आ गया भाई, यहाँ तक रटने वाली बात सुनी भाई, देखो हाँ ये लिखते भाई, ये समझ में आ तो मल्टीपल तो आ जाएगी, ये है तो सारा, ये तो लास्ट टेन का टू एन आगे समझ में नहीं, बोलो भाई, देखो एफ एन थीटा इक्वल टू टेन टू की पावर एन थीटा, अब क्या लिखना है एफ टू पाई बाई सिक्स, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है टू, अरे थीटा की वैल्यू लिखिए उसमें क्या आ जाएगा, अब इसकी वैल्यू निकालते चलूंगा मैं, क्या आ जाएगी बोल लो एफ टू पाई बाई सिक्स, एफ टू पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बोलियो टेन टू की पावर टू फाइव बाई सिक्स, बेटे थीटा की वैल्यू कितना है, क्या आ जाएगा बोल लो टेन फोर पाई बाई सिक्स, टू की पावर टू की वैल्यू कितनी हो
टेन फोर बाई फाइव बाई सिक्स की वैल्यू कितनी हो भाई? अरे एंगल में तोड़ लो, मैं ही बता दूँ। फोर बाई बाई सिक्स कितना एंगल हो? कितना हो? हैं? अरे फाइव फोर बाई बाई सिक्स डिग्री में बता कितना हो? डिग्री में बताओ भाई। हाँ फाइव बाई सिक्स कितना हो? थर्टी। और थर्टी मल्टीप्लाई फोर यूनिट होगा कितना होगा? एक सौ बीस भाई। तुम्हें तुम्हें तो बारह ही लिखना, कहीं बारह आया है। तो कितना आएगा ये? कितना आएगा? अब तुम अभी एक सौ अस्सी कह रहे थे, एक सौ बीस कह रहे थे, फिर दोबारा भी है। तो टेन एक सौ अस्सी कितना आएगा? टेन वन एट्टी की वैल्यू कितनी हो? एक सौ बीस की वैल्यू कितनी हो? कितनी हो टेन एक सौ बीस की? पता नहीं, देखो मैंने बताया था तुम्हें, फिर 90 में तोड़ दूंगा, वही फॉर्मूला मैंने बताया था। टेन 90 प्लस 30, देखो जो इवन है ओड है, यहाँ ओड है तो टेन क्या है वो दे जाएगा कोर्ट में, कोर्ट 30 की वैल्यू रूट थ्री, लेकिन 120 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? दूसरे में, दूसरा टेन का घर है वो तो साइन का घर है, तो माइनस माइनस रूट थ्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? माइनस के रूट थ्री। अब तो सब की वैल्यू निकाल लेंगे, घर बैठ के भाई निकाल लेगा सब। तो जोन थ्री फिट है, एक की ठीक है, दो की ठीक है, इससे आ जाएगा। ये है घर का काम है, कर लोगे? और क्या करना है कि वैल्यू ही बता रहा था कि ये वैल्यू ठीक है, ये वैल्यू ठीक है, ये वैल्यू ठीक है। ये इन्हें दे रखा कि एफ फोर फाइव बाई सिक्सटीन की वैल्यू वन होगी का, इन्हें दे रखा था एफ टू बाई फाइव बाई सिक्स की वैल्यू वन होगी का, देखना था। ठीक है भाई, इसमें आगे कोई बस एक की बोस गया, दो की बोस गया, इसमें ही देखना है। तो आर्डर तो आंसर नहीं तो मिटो दिया। अच्छा सवाल तो बढ़िया है ना, आसान मतलब लंबा पढ़ो, नहीं आसान है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। करो सर, आप लोग कल से क्या भाई क्वेश्चन भी तो नहीं बता कहाँ से शुरू कर रखा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ से करते करते ये सिनेमा आ गया ना भाई, कहाँ था ये? वहाँ बरसती है।
देखो भाई क्या है, देखो भाई अगर कोई फंक्शन है, लिख लिया भाई, अगर कोई फंक्शन f है, y टू x है, कैसा फंक्शन है, सेट थ्योरम तुमने पढ़ा होगा, वन वन एंड ओन वन वन एंड ओन टू फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रखा इस तरह का, f y टू x, इफ देयर एग्जिस्ट एक कोई एग्जिस्ट ऐसा फंक्शन हो जाए g, वो क्या हो जाए x से y हो जाए, क्या हो जाए x से y, देन g इज कॉल्ड टू द इनवर्स ऑफ f, ये कहते हैं f इनवर्स ऑफ, ये कहे इनवर्स को किस पे, किस से दिखाते हैं इसे, f इनवर्स, ये इसका इनवर्स, ये इसका f का जो इनवर्स होगा ये हो जाएगा। आगे बात सुनो, अब मैं पूछूं भाई तो आगे सभी समझ में आ गई, अब भाई वन वन क्या हुआ है, हाँ तो सीनियो वन वन हुआ क्या, महाभारत ये वन वन क्या थी, रोन टू क्या हुआ, वन हर इमेज की बस एक ही हुआ है, हाँ ये क्या कहा इन्होंने, देखो अरे ओन टू क्या हुआ, एक ही दो भी हो सकती है, वन वन एंड ओन टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुनो नया वन वन एंड ओन टू है, मैं बता दूँ अब तुम गए सब कुछ समझ में आ गया, ठीक हो गया, चलो आप चलो मैं ही तो पूछ रहा था, अब तुम तो देखो वन वन एंड ओन टू यहाँ बात अटकी है, सब कुछ समझ में आ गया है, जो वन वन ओन टू पे तो अटकी बात, अन्य तो सब कुछ महाभारत समझ में आ गई, अगर कोई फंक्शन ऐसा है, कैसा है फंक्शन कि y से x है, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स है, और कोई ऐसा फंक्शन हो जाए g टू x टू y, तो f का जो इनवर्स होगा, f इनवर्स होगा, f का इनवर्स होगा, यदि g इज का द इनवर्स ऑफ f, देखो ये किस तरह है, मान लिया आपका नाम क्या है भाई, f है ये, ठीक आपका नाम क्या है, वी ने वी आ गया, ए आपका नाम क्या है, अच्छा ए आपका नाम, ये मान लीजिए चार कैंडिडेट हैं, ये जो है एक्स के हैं, ठीक, अब भाई ये आदमी है, आदमी है ये सारे, ये तो कोई इसमें तो कोई शक नहीं है, इन्हें कोई चीज पसंद भी होगी, फ्रूट ऐसी भी बात हो सके, आपको क्या पसंद है भाई, अरे वैसे ही बता दो कि यहाँ नाम थोड़ी लग रहा है, वैसे बता दो झूठे बता दो, ये पसंद है भाई, नहीं ये इधर आ गया, अक्सर ऐसा नहीं करो, ये छोटा लिखूँ मैं कुछ हो जो इधर आ गया होने बड़े बोलियो है, ग्रह पसंद है, इसकी पसंद भी तुम्हें बताओगे भाई, यार भाई आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, केड़ा भाई सबकी तुमने ठेका डाल रखा बनाना, अब तुम्हें क्या पसंद है, मैंगो आपको अपनी भूल गए इस चीज बता दी है सबको, सबको यहाँ दूसरे का पता, अपने का नहीं पता है नी, जितने गाँव में कहते हैं अब उनके तो बहुत कमाई हो रही, बहुत पैसे आ रहे, सबको दूसरे की पता नहीं है, अपने के नहीं पता है, और उससे पूछो थारे कैसे पहते हैं, मुझे नहीं पता हमारे घर में किसने, ये क्या होती है डब्लू, हाँ बताते नहीं, अभी वाली बात हो रही कि अपनी बताई नहीं दूसरी पसंद है, इन्होंने अपनी तो बता दी, इसकी तो बता दी अपनी बता, देखो भाई देखो अब देखो इसे तो ये पसंद है, इसे ये पसंद है, इसे ये पसंद है, एक को एक पसंद है, ये तो हो गया वन वन, देखो ये वाई है, ये क्या था मान लिया एक्स है, और ये सारा फंक्शन है एफ, ये सारा फंक्शन है आई थी ओन टू, यानी इसके अंदर ये जो है कोई भी क्या है बच है ना, कोई भी सबकी पूरे की इमेज आ जा, यू नो कि यहाँ एक फल क्या रखा, एक फल का नाशपाती मोटी जो कड़े दे दांत से नहीं खाई जाती, वो वाली समझ गए, अब वो उसे कोई पसंद नहीं, कर लिया तो ये पसंद उसे नहीं खाता कोई है, उसे तो घर में भी पड़ी पड़ी हो जाए, एक बुड़कसा मार गया तो रख लिया ठीक नहीं है, इतनी मोटी खाई जा भाई वो दांत जहाँ से तैयार है, वो थोड़ी देर आती ये डालते फिर पता ही खाई जा, उसके बाद नहीं खाता आदमी है, अगर दावत मुँह से रख दिया जाए ईमानदारी में, एक ग्राम अंगूर हो खरबूज हो क्या करेगा, वो जो सिद्ध हो गया उसके आगे रख दे भाई दे, तो ये ऐसी चीज है नाशपाती नहीं रखनी, तो अगर ये बच गई तो ओन टू हो गया, नहीं बचा तो ओन टू, तो वन वन एन टू, तो इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन ये है एक्स टू वाई, अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए कोई एक और फंक्शन आवे, यहाँ क्या आ जाए वाई आ जाए, यहाँ क्या आ जाए शुरू में एक्स, वाई में क्या आ जाए फिर मेरे फैला जाए जी
बी एम डब्ल्यू एस वी ए पी, इस तरह का ये रिलेशन होगी है। फिर तो इस तरह की जो रिलेशन होगी वो इन्वर्स होगी, यही वो इन्वर्स है। आगे इन्वर्स वो अच्छे से सुनवा गए, उल्टा यार इन्वर्स उल्टे कोई गए तो ये तो क्या है, ये फंक्शन का इसका ये इन्वर्स हो गया, इसका inverse. देखो भाई इसका ये इधर जा रहा है तो ये इसकी क्या आ गया, इसका क्या कहलाता है डोमेन, ये क्या कहलाता है इसका डोमेन, और ये इसकी क्या हो गई रेंज है। भाई बात नहीं, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ जरूरत पड़ी भाई, अब मैं कहूँ साइन की डोमेन और रेंज बताओ भाई, साइन की डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी साइन का, साइन का हाँ ये इन्हें बता दीजिए, बात पक्की बताया हमेशा, बहुत अच्छी बात है, ये नहीं भूलते हैं। साइन कितनी होती है, -1 to 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस वन की क्या होती है -π/2 और इसकी π/2 तो ये हो गया डोमेन -1 to 1 या ये डोमेन होगी उसकी। आगे सुनिए, यही डोमेन रेंज है, यही डोमेन रेंज है, आगे डोमेन रेंज। तो ये फंक्शन जो जो पहले ये फंक्शन ये क्या कहलाता है इसका डोमेन, ये क्या कहलाता है इसकी रेंज कहलाता है। और ये जो है अगर एफ एफ का कोई उल्टा फंक्शन हो, एफ का कोई उल्टा फंक्शन हो तो उसके क्या कहलाता है, उसका वो जो है इन्वर्स कहलाता है, दैट इज पार्ट टू द देयर इन्वर्स। आगे बात समझ, आगे बढ़े, अब पूछ चुका आगे समझ। अच्छा अगर मैं कहूँगी साइन का इन्वर्स तो किससे लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स मिटो दी से सारे को समझ, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, देखो भाई एक तो यह है, मान लिया देखो एक तो है कि साइन इन्वर्स है तो इसमें कुछ फर्क आएगा यार। देखो एक तो मैंने लिखा, ये भी ध्यान देना है भाई, साइन इन्वर्स एक्स, एक लिखा साइन एक्स का इन्वर्स, ये एक ही है, ये वन अपॉन साइन एक्स है और ये इन्वर्स है। ये सर फर्क क्या है, फर्क है ये तो पूछा, क्या फर्क होगा यार सर, ये वन अपॉन साइन एक्स हो जाएगा जो साइन का इन्वर्स है ये। अब बताओ हाँ एक बार और बताओ, देखो यार मैं बताई थी मैंने भाई मेरे को दिक्कत है नहीं हाँ अब बताओ, तुम ही बता दो इनकी बात, इन्हें तो बताए जा रही। सर ये जो साइन एक्स है वो इन्वर्स है, वो वन अपॉन साइन एक्स हाँ, और ये तो साइन इन्वर्स है हाँ, ये तो एंगल है, ये क्या है एंगल का, ये क्या है एंगल की वैल्यू है, ये है होल का, इसका मतलब क्या है, वन अपॉन साइन एक्स दैट इज नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना भाई, इसलिए बताया था मैंने ये हमेशा इक्वल होता है। इसकी वैल्यू क्या है कि वैल्यू यू है, अगर मान लिया कहीं आ गया साइन साइन इनवर्स पाई बाई थ्री तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू लिखूंगा एकदम सही बात है। अगर कहीं मान लिया है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, सही बात है। पर फिर तुम कहोगे यार मुझे बताते भी शर्म आ रही, फिर कहोगे फॉर्मूले फेर, फिर फॉर्मूले इन्वर्स के होंगे, अच्छा नहीं तो करा कुछ हो ना हो, फिर फॉर्मूले फेर एक दिन बाद इधर घुमा फिरा गए हैं है नहीं, फिर फॉर्मूले करेंगे। चलो भाई हमारे पास तो एक ही फॉर्मूले, ठीक है मैंने फॉर्मूले बहुत हैं, ठीक है फॉर्मूले चले गए जाओ, चले जाओ इसमें फॉर्मूले फॉर्मूले लिखूंगा आपकी छुट्टी होगी, मेरी पूछनी वो नहीं कराता जाओ, जो मैं फॉर्मूले फॉर्मूले लिखाऊंगा भाई। देखो भाई क्या फॉर्मूले हैं, चले जाना बहुत देर होगी तो नहीं छुट्टी है। देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट वन माइनस, भैया आपकी लाइन है भाई, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोट इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कोट इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स
इज इक्वल टू sec इनवर्स अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू cosec इनवर्स क्यों फिर ये क्या चल रहा है महाभारत ही चल रही है जब से सही कह रहे cosec इनवर्स 1 माइनस x ले भाई रुक गया तुमने रोक टोक का यहाँ टोक दिया इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि बड़ी दोस्त ही निश्चय नहीं तो दोस्त रुका रहा भाई है इनका दोस्त होता भाई इनका दोस्त होता जो है एक घंटे भी रुक जाता है रुक नहीं जाता भाई कहता पढ़ ले कोई बात ही मैं खड़ा आदमी अरे नहीं बैठते भैया एक चक्के में लगा बाहर का लगाया तू यहीं खड़ा रहा भैया आ रहा बाहर का चलो खैर कोई बात नहीं देखो भाई अब ये इतना ही छोड़ दिया आगे देखो भाई करा देता भाई चल तुम्हें शाम हो जाएगी भाई मैं तो देखो बिल्कुल फंडामेंटल बताता हूँ बताता नहीं मैं कोई बीच में आ जाओ पूरी लेके चलूँ है मतलब सिलेबस भी भूल जाऊँ मैं चक्कर सवाल पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाओ हमारा है तार कट जाए जिससे वो फ्यूज उड़ जाए ना देखो इस तरह बताऊँगा मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दूँगा तुम्हारी ठीक है भाई इसी तरह दूँगा क्योंकि ऐसे ही बताऊँगा जो तुम्हें नहीं पता है कुछ देखो चलो देखो भाई देखो भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स वन बाई ए ये तो समझ में आ रहा होगा देखो साइन का उल्टा देखो ये था कोसेक याद हो गया इधर देख लो इधर देखो साइन इनवर्स क्या कोसेक एक्स इनवर्स ही तो है साइन एक्स बराबर देखो ये देखो साइन एक्स बराबर कोस वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है वन माइनस कोस स्क्वायर है ये था देखो बिल्कुल ऐसा ही ये टेन एक्स का एक्स वन यो ये कोट का है ये उसका उल्टा है ही और ये उसका उल्टा है ही शायद याद हो गए होंगे दिक्कत तो नहीं आता अच्छा वो भी इस तरह निकलेंगे भाई इन्होंने कहा इस तरह निकलेंगे ठीक है अच्छी बात है ये फिलहाल से रट लिया फिर इस तरह और इस तरह क्या है फॉर्मूले कोस इनवर्स के हैं फिर क्या क्या है टेन इनवर्स के हैं वो लिख लियो कॉपी में घर जाके अगर कहीं मिल जाए नहीं तो कल को फिर हम करेंगे शुरू इसके बाद एक सवाल छोटा अजीब करने को करवाऊँ चलो चल कल करेंगे चलो ठीक है कल करेंगे ठीक है भाई ये समझ में आ गया ना ये सर कल को अभी चलने में जल्दी जल्दी बहुत अच्छा सवाल है सबके सामने करूँगा कल उसी में वो तो वाला टू एक्स बी वाला वो उसका आंसर है बहुत बढ़िया सवाल डायरेक्ट आता है रिजल्ट याद कर लेना भाई डायरेक्ट आता है 100% बहुत सवाल आता है दिमाग में आ गया कल को सबसे पहले उसी करेंगे इन्हें जल्दी ठीक है भाई आज के लिए इतना ही है ठीक है बेस्ट ऑफ लक द एंड।